तमाम जितनी एयर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स जो थे मसला कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इन चीज सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा कम्बाइंड इफेक्ट है जो एसिड रेन होता है एसिड रेन का मतलब यह है कि वो एसिड वो रेन जिसमें एसिडिटी हो एसिडिटी का मतलब वो पी एच वैल्यू जब ये मैं आपको समझाऊँगा पी वैल्यू के क्या है वो सात से नीचे हो पी वैल्यू अगर उसके नीचे है तो तकरीबन एसिड की तरह वो रिएक्ट करता है कुछ वीक एसिड होते हैं जिनकी सात से थोड़ी सी कम होती है पाँच छः होती है बाकी जो अगर और ज़्यादा नीचे चले आए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं मतलब वन वगैरह पे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो एसिड ये उसको एसिड ड्रेन कहते हैं अब चूँकि एसिडिटी है उसमें तो यकीन जिस चीज़ पर गिरेगी उस पर अफेक्ट तो पड़ेगा अब ज़्यादा एसिड होगी तो वो ज़्यादा फर इफेक्ट पड़ेगा कम एसिडिटी हुई तो कम इफेक्ट करेगा लेकिन अफेक्ट ज़रूर होता है और मैं बताऊँगा क्या क्या, क्या, क्या क्या चीज़ें कुछ तो मैंने पहले भी बता चुका पहले वाले एक और मॉडल में बताया था कि उन पर मुजस्मों पर क्या कैसा कैसा असर पड़ता है जो आम, जो, 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 जो का, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से ताजमहल की बात की थी मैंने पहले वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उसकी येलोइंग हो गई थी एसिड रेन की वजह से तो ये वो एसिड रेन है उसके बारे में थोड़ी सी तफसील देख लें कि ऐसे जो या तो उसमें रें जिसमें ऑक्साइड और सल्फर एंड नाइट्रोजन हो कार्बन की भी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होती कार्बन मोनोऑक्साइड लेकिन ये सल्फर ऑक्साइड एसो एस ओ टू एस थ्री ज़्यादातर एस टू होता है एस थ्री तो नहीं होता नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है एन ओ एन टू एन ओ जो वो सब मिला के वो सारी चीज़ें जो वो नाइट्रिक एसिड बनाती हैं सल्फर की ऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती तो उनको अगर मिला लें तो काफ़ी सारी एसिडिटी उसके अंदर हो जाती है तो पीएच जो है लेस दैन 5.6 पॉइंट सिक्स अभी मैं बताऊंगा पी का मतलब क्या होता है पी एच जो है बिल्कुल नॉर्मल पानी होता है जो आप बोतल पानी पीते हैं ना वो नेस्ले की उसमें पीछे देखें उस पर क्या लिखा होता है उस पर लिखा होता है कि पी एच इक्वल टू सेवन पॉइंट जीरो तो वो उस पर ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है वो पीने के लिए बहुत बिल्कुल सही है वो ज़रूरी नहीं कि ये सही हो थोड़ी बहुत एसिडिटी थोड़ी बहुत बेसिसिटी uh, uh, कभी उसमें कुछ मिनरल्स हो अगर मिनरल कोई भी नहीं हो तो फिर तो बेकार है पानी सिर्फ पानी बेकार तो नहीं लेकिन वो उसके मिनरल के आपको फ़ायदा नहीं हो सकता बाज़ मिनरल वाटर होता है जिसके अंदर कुछ चीज़ें ऑलरेडी एडिड होती हैं बाज़ कार्बोनेटेड वाटर होता है जैसे सोडा वगैरह हुआ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है तो वो उसकी एसिडिटी ये इसके फाइव पॉइंट के पास आ जाती है तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जो न्यूट्रल होता है ना बिल्कुल जिसमें ना एसिडिटी हो ना बेसिसिटी हो वो वो सेवन पॉइंट ओ होता है पी एच उसकी सेवन पॉइंट ओ होती है तो ये सारी चीज़ें मिलके अब उसकी अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नाइट्रस ऑक्साइड का सोर्स क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा सोर्स वो गाड़ियाँ हैं ना जहाँ भी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होगी गाड़ियाँ या पावर जनरेशन जहाँ भी फॉसिल फ्यूल होगा गया वहाँ से निकलेगा स्टील मिल है और सारी चीज़ें जो हैं सब उनकी सोर्सेज हैं वॉलकिन हैं जो हम इनका हम कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन वो बैरल सल्फर डाईआक्साइड यकीन होती है अब जब हम उसको एसिड रेन कहते हैं एसिड रेन का ये मतलब नहीं कि सिर्फ पानी के तौर पर गिरे वो कई जगह ऐसा होता है कि वो इतनी ऐशेज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो बिल्कुल जैसे पाउडर गिर रहा हो जैसे कोई राख गिर रही हो ना उस तरह से उसकी रेन होती है जब मैं इस अमरीका में जब मैं पीएचडी कर रहा था ना जहाँ पे पीएचडी हो रही थी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ इलेनो अरबाना चैम्पियन में वहाँ एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था एबर्ट पावर प्लांट उसको कहते थे तो सुबह अगर जाए ना और गाड़ी को ऐसे हाथ लगाए तो वो काली काली बिल्कुल उसमें से गर्द निकलती थी वो सारा वो सूट वगैरह मिला के ऐसे ड्रेन ऐशेज़ वगैरह मिला के गाड़ियों पर जाता था उसके बाद उन्होंने स्क्रबर लगाया उसमें तो थोड़ी सी परेशानी कम हुई लेकिन उसके तो ऐसे ड्रेन का रेन का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता कुछ भी गिर गिर सकता है ऊपर से जो गिरे वो रेन ठीक है तो ये ये है एसिड्रेन का मतलब अब एसिड रेन जो होती है वो एसिडिटी जो मेजर करते हैं वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एच उसकी कॉन्सनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है जितनी ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी जो वो है एसिडिटी बढ़ बढ़ती जाएगी तो अब तो पी जिसे कहते हैं ना पी वैल्यू पी वैल्यू का मतलब होता है पावर ऑफ द कॉन्सनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनफैक्ट इसका असली मतलब होता है नेगेटिव ऑफ़ द पावर ऑफ़ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन की कॉन्सन्ट्रेशन टेन टू माइनस सेवन हो है ना टेन टू माइनस सेवन इसका मतलब बहुत कम है ना टेन टू माइनस सेवन छोटा नंबर है टेन टू माइनस थ्री से तो टेन टू माइनस सेवन हो तो इसका मतलब उसकी नेगेटिव ऑफ़ द पावर ऑफ़ हाइड्रोजन का मतलब हुआ पी एच हो उसकी सेवन वो न्यूट्रल हो गया उसमें बिल्कुल एसिडिटी नहीं है अब अगर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टेन टू माइनस थ्री हो तो इसका मतलब पी जो है वो थ्री हो जाएगी तो थ्री तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो जितना भी कॉन्सन्ट्रेसन हो मतलब जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना कॉन्सन्ट्रेशन उसमें मेजर करते हैं वो नीचे मैं उसमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगा लेकिन अगर उससे देख ले नीचे आपके उसको मोलर सोल्यूशन किसे कहते हैं उसमें एसिडिटी कॉन्सन्ट्रेशन कैसे निकालते हैं कॉन्सन्ट्रेशन लिखते हैं टेन टू माइनस थ्री मोल टेन टू माइनस फोर मोल टेन टू माइनस सेवन मोल हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन तो उस हिसाब से फिर वह बढ़ाते जाते हैं अब जितनी कम होती जाएगी उतना नंबर बढ़ते जाएंगे टेन टू माइनस सेवन है टेन टू माइनस एट है इसका मतलब एसिडिटी कम होती जा रही है तो ऊपर से चलें ज़ीरो से लेके जीरो में इसका मतलब बिल्कुल प्योर एसिड है एच सी एल है हाँ फिर बीच में आए सारी चीज़ें आप उसमें देखें पता नहीं क्या क्या वाइन और कॉफ़ी वगैरह ये सारी चीज़ें एसिडिक हैं काफ़ी भी काफ़ी एसिडिक होती है तो सेवन जो है वो प्योर वाटर जो है वो सेवन है आपका जो ब्लड है वो थोड़ा सा नीचे सेवन के नीचे इसका मतलब थोड़ा सा बेसिक है तो अब नीचे जैसे चलते आ रहे हैं ना तो हाइड्रोजन की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है नेगेटिव पावर तो उसको अगर माइनस से अप्लाई मल्टीप्लाएंगे तो पूरा नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा तो आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तक के ना चौदह वो बिल्कुल सोडियम हाइड्रोआक्साइड अगर का हंड्रेड परसेंट सोलूशन हो ना हंड्रेड तो बिल्कुल कंप्लीट मोलर सोल्यूशन जो होगा वो वो बिल्कुल बेसिक होगा तो ये स्केल होता है अब इसमें देख लें कई कई चीज़ें जिसको आप, आप जानते हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीजिया है लोगों कभी कभी परेशानी होती है एसिडिटी की तो वो एक सोलूशन पीते हैं जो वाइट कलर का होता है वो मैग्नीजिया होता है उसके अंदर मैग्नीजियम ऑक्साइड का हाइड्रो ऑक्साइड होती है उसके अंदर वो आप पी लें तो एसिडिटी कम हो जाती है कम क्यों होती है क्योंकि मैगनीजिया जो बेसिक होता है वो एसिडिटी को मिटा देता है तो वो मिल्क ऑफ मैगनीजिया की जो पी एच वैली है वो किसान बारह के करीब है इसका मतलब वो बेसिक है और ऊपर जाएंगे तो लीमो वगैरह हुआ लेमन जूस हुआ जितने भी सिट्रिक होते हैं वो सारे एसिड होते हैं तो उनकी एसिडिटी फिर दो तीन के करीब होती है तो 5.6 से नीचे जितने भी गई ना वो इसका मतलब वो एसिड रेन के अंदर उसकी शमूलियत हो गई मैं अब ये पूरी इसकी तफसील तो मैं कई मरतबा बता चुका हूँ लेकिन ये आप एक मरतबा आखिर एक बार तो दो, दोबारा दोहराता चलूँ कि मेन जो है वो आपका आ, इंडस्ट्रियल होता है यकीन सल्फ़र डाईक्साइड वगैरह के सिलसिले में तो बहुत ज़्यादा होता है और जो टायर वायर बनाते हैं ना उसमें सल्फर डा ऑक्सल का काफ़ी इस्तेमाल होता है वोकनाइजेशन वॉलकनों वोल्कनाइजेशन वोकनाइजेशन का मतलब है कि टायर बनाना वो पुराना सिस्टम था ना रबर में सल्फर डा डालते थे तो रबर बहुत सख्त हो जाता था फिर उसके टायर बना देते थे तो वहाँ से शुरू होता है तो उस इंडस्ट्री में अभी तक के सल्फ़र डाइऑक्साइड काफ़ी निकलती है स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में सल्फ़र निकलती है जितने भी गाड़ियाँ चलती हैं उस सबसे सल्फर नाइट्रस कार्बन तीनों की ऑक्साइड्स उसमें से निकलती हैं तो वो वो सारी चीज़ें वहाँ वहाँ से आती हैं तो वो कुछ चीज़ें कंट्रोल में हैं कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो सकती लेकिन बहरहाल जहाँ तक के उसके आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक़ है जहाँ तक कि उसके असरात का ताल्लुक है वो तो पहले भी मैं बता चुका हूँ ताजमहल का एक का सारी चीज़ों के अंदर उसकी एसिडिटी का फरक अफेक्ट पड़ा क्योंकि वो सारी चीज़ें लाइम की बनी हुई होती हैं तो सारा वो करोट कर देती हैं प्लांट्स हैं प्लांट्स अब उनको तो नहीं एसिडिटी का इतना टॉलरेंस तो वह अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो प्लांट्स प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी बल्कि कभी, कभी कभी तो बिल्कुल जल जाते हैं अगर आप तस्वीरें देखें कुछ स्कैंडिनेविया की सदन नॉर्वे और सदन स्वीडन वगैरह में जहाँ पे आ, ये नॉर्थ सी के अतरा बहुत सारी रिफाइनरीज़ हैं नॉर्थ सी का मतलब जर्मनी नैदरलैंड वगैरह उस केस में बहुत सारी सी के करीब रिफ़ाइनरी हैं उससे जो वेपर्स निकलते हैं वो नॉर्थ में जाते हैं नॉर्थ का मतलब स्कैंडिनेविया नॉर्वे स्वीडन वगैरह जाते हैं तो वो जंगल के जंगल हैं जो बिल्कुल बयाबान हो गए हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उनको आग लगी हो कोई आग वाग नहीं लगी उनको सिर्फ़ ये एसिड ड्रेन के वेपर्स आते हैं उनके ऊपर गिरते हैं वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं ये पुरानी बात है अब तो काफ़ी उन्होंने सीख लिया इससे कि वो स्क्रबिंग करना और ये वो करना लेकिन जो पुराने असरात हैं अभी वहाँ जाएँ तो आप देखेंगे मील हा मील जो है वो जंगल में कोई दरख्त नहीं उगरा जो पुराने दरख्त हैं वो बिल्कुल ऐसे खाली खाली खड़े हुए हैं कि वो सारी उनकी एसिडी की वजह से उनके सारा निभात जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं तो ये काफ़ी गहरा मसला है ये चाइनीज़ को भी इनकी इसकी परेशानी बहुत हो गई है अब उनका काफ़ी सारा उनकी भी पॉलिसी ऐसी चेंज हो रही है कि जो भी हती के जो कार्बन मेकिंग कार्बन बर्निंग पावर प्लांट्स प्लान्ट ना उनकी भी इतनी रेगुलेशन होती है कि ज़्यादा कम से कम किया जाए ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड की जो जो हवा में जाने वाली जो प्रॉब्लम होती है तो ये इसकी अगेन इट रिक्वायर्स अ बिग पॉलिसी बिग प्रॉब्लम रिक्वायर्स अ बिग पॉलिसी तो सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और कंज्यूमर सब चीज़ों को इन्वॉल्व होना चाहिए इस पॉलिसी को ठीक करने के लिए